नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रकार नवीन शर्मा। मेरे इस नए वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पर्यटन पे और इस कला को कैसे बढ़ावा मिले उसके बारे में बात की, और अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पेंटिंग जैसे इसके बारे में हमने अब प्रमोशन स्टार्ट किया है दोस्तों। तो जो जितने भी जो इस पेंटिंग को जिन्होंने भी देख रखा है, जो मेरे मित्र हैं और सब जो इस पेंटिंग के बारे में जानते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं दोस्तों, और वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड हो गए। अब और उन्होंने कहा कि अब जो ये प्रमोशन चालू हुआ है ये बहुत ज़रूरी था, ये नवीन आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि उनको तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी था। कुछ लोगों को पता है कि मैं मेरे बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, वो हिडन है। खाली मैंने जो रामचरितमानस के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया कि रामचरितमानस मेरा सबसे बड़ा सपना है, उसके ऊपर मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ दोस्तों, और जनवरी तक मैं उसे पूरा करना चाहूँगा, ये मैं आपको पहले बता चुका दोस्तों। इसलिए वो प्रमोशन मैं उस वक्त से नहीं कर पाया, क्योंकि 2012 में इसको नेशनल अवार्ड मिल चुका था। उसके बाद जो सफ़र रहा, जो लोग मुझे इनवाइट करते थे, जहाँ ये एग्जीबिट होती थी, काफ़ी लोगों का प्यार मिलता था दोस्तों। और जब ये पेंटिंग बन के तैयार हुई थी दोस्तों, तब भी मैंने जो वरिष्ठ चित्रकार हैं और जो कला के बड़े जानकार हैं, उनको इस पेंटिंग को दिखाया दोस्तों कि ये मैंने नेशनल अवार्ड के लिए बनाई है। तो दोस्तों वो भी अचंभित रह गए कि उन्होंने, उनके जो वर्ड्स थे दोस्तों वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि इतना प्यार मिला है कि मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता। इतना मतलब मैं आपको उसका प्रमाण भी दूंगा अगर आपको चाहिए तो दोस्तों, क्योंकि व्यूअर्स के जो कमेंट्स आए हैं वो कमेंट्स आप पढ़ के स्ट्रेंज रह जाएंगे कि मतलब उनके इस पेंटिंग को देखने के बाद उनके कितना बड़ा द्वंद्व चलता है अंदर कि हाउ दिस पॉसिबल। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है, और उनकी कृपा हो तो सब कुछ संभव है दोस्तों। और मैं बार बार बस यही मतलब आपसे कहूँगा कि मैं बिल्कुल भी मतलब भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो घमंड नाम की चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाए। और अभी तक जो भी लोग मिलते हैं दोस्तों, वो सब जैसे मीडिया भी मिलती है, पत्रकार मुझसे मिलते हैं, तो वो सभी जब पूछते हैं कि भाई आप इतने बड़े अमाउंट का क्या करोगे नवीन, जो 1000 करोड़ की, और यहाँ जो बातें आ रही हैं जो आर्ट लवर्स कहते हैं कि इसका मतलब ऑक्शन अगर होगा तो ये पेंटिंग 50,000 करोड़ पर भी जा सकती है, 1,00,000 करोड़ पर भी जा सकती है। वो मतलब कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, एग्जीबिशन में माहौल ऐसा होता है कि पत्रकार जब इसको कवर करने आते हैं वो आर्ट लवर्स से पूछते हैं कि पिछली खबर के अनुसार कि भाई 600 करोड़ की जब न्यूज़ बनी, तो पत्रकार उनसे इसी तरह से पूछते हैं कि आप इसमें क्या है इसमें 600 करोड़ का, वो तो सीधा उनसे यही प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा माहौल बनता है कि आर्ट लवर मतलब पत्रकारों को डांट देते हैं, मतलब ऐसा कि वो आर्ट लवर खुद मतलब उनको मैग्नीफाइंग हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि आप आर्ट को कवर करने आए हो, आप आर्ट के स्पेशलिस्ट हो, इसीलिए आपके पत्र ने, आपके न्यूज़पेपर ने या आपके चैनल ने आपको यहाँ भेजा है, तो आपको इसमें दिखता नहीं है कि इसमें क्या कुछ नहीं है। मतलब ये पेंटिंग तिलिस्म है, ये पेंटिंग तूफान है, ऐसे इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि बॉस 600 करोड़ कुछ भी नहीं है, ये अगर कभी इसका ऑप्शन होगा तो ये पेंटिंग देखना कि पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड, जितने भी वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स हैं, जो अमाउंट के, जो बिक्री के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो ये पेंटिंग तोड़ने वाली है। तब जाकर के न्यूज़पेपर्स भी विवश हो जाते हैं, तो वो 1000 करोड़ की न्यूज़ ऐसे ही बनी दोस्तों। और जो आर्किटेक्ट आए उन्होंने वैल्यूएशन लगाई कि ये पेंटिंग मतलब कोई भी चीज़ दोस्तों फीचर से दिखती है, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ भी सौदा होता है या कोई भी चीज़ आपके पास है, एक अगर मकान भी होता है तो वो भी फीचर से दिखता है दोस्तों, कोई भी चीज़ फीचर से, उसके फीचर से उसको बड़ा बनाते हैं दोस्तों, तो इसके भी फीचर जो हैं वो इसको बड़ा बनाते हैं दोस्तों। 4 साल में बनी पूरी हिस्ट्री, 10 लाख फिगर, मतलब आर्टिजन ये बोलते हैं, बड़े बड़े जो सलाहकार है कला के, कि जितना आपने सोचा नवीन वो सोचना ही इम्पॉसिबल। मतलब कई लोग तो मतलब इतना प्यार करते हैं, और जो आपने बना दिया सोचने के बाद इम्प्लीमेंट करना, ठीक है आर्टिस्ट सभी सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाए, कुछ नायाब बनाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। आपने इतना बड़ा सोचा बनाया, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये सब प्रभु की कृपा है, डेडिकेशन है, जुनून है। अगर आप कर्मठता से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं दोस्तों, ईमानदारी जीवन में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ईमानदारी, त्याग और प्रेम, ये अगर 3 चीज़ आपके पास है दोस्तों, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बचपन से इसी बात पे जो संस्कार दिए माता पिता ने, वो यही दिए कि आप मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो कि भगवान भी मतलब
ये कहे कि जैसे वो कहावत है ना दोस्तों कि तेरी हर मतलब जो इच्छा से पहले भगवान खुद तुझसे पूछे कि तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या रजा है। तो इतनी मेहनत करो कि सब पूरी कायनात पूरी प्रकृति आपको देने के लिए विवश हो जाए दोस्तों। तो इसमें यही हुआ कि जो मेहनत है वो रंग लाई दोस्तों और ये पेंटिंग आगे बढ़ती गई। और अब ये पेंटिंग जैसा कि आपका साथ रहा, वैसे तो दोस्तों काफ़ी प्रयास चल रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि पहले भी आपने पहले वीडियो में देखा संजय दत्त हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं और कुछ बड़े जो लोग हैं उनसे बातचीत जारी है दोस्तों। तो वो लोग इसका ऑक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं पूरी तरह से। तो हम इसका ऑक्शन करेंगे और हम चाहेंगे कि अब वो ऑक्शन कहाँ करते हैं, अगर विदेश में करते हैं दोस्तों तो हम चाहेंगे कि उस ऑक्शन में हमारे जो देश के जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े वो भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दोस्तों ऑक्शन में ही इसको बड़ी प्राइज मिलेगी। और जितनी बड़ी प्राइज मिलेगी दोस्तों, जैसा कि मैं सॉरी आपको भूल गया था कि जो पत्रकारों की बात है वो मैंने काट दी थी, कि पत्रकार मेरे से पूछते थे कि नवीन आप इतनी बड़ी अमाउंट का क्या करोगे। जैसा कि दोस्तों मैं तो आप देख रहे हैं कि मैं हालांकि योगा वगैरह सब करता हूँ और लेकिन मैं डायबिटिक हूँ, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है दोस्तों, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में जो प्रेशर रहता है वो मैं ही जानता हूँ और आप भी खैर समझ सकते होंगे दोस्तों। तो उस वजह से मतलब तो मैं पत्रकारों को बताता हूँ दोस्तों कि ये जो अमाउंट है ये कुछ भी नहीं है। अगर आप वेलफेयर का काम करना चाहते हैं या आप समाज सेवा करना चाहते हैं, मानव सेवा करना चाहते हैं और विश्व स्तर पे आप एनजीओ बना के काम करना चाहते हैं, तो जैसा मतलब ये रकम कुछ भी नहीं है, ये अमाउंट कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो मतलब जितना भी अमाउंट हो उतना कम है अगर आप वेलफेयर का काम करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों बिल गेट्स है, उसने अपनी पूरी संपत्ति डोनेट कर दी वो भी वेलफेयर के काम के लिए। तो हम भी आने वाले समय में यही काम करेंगे दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि ये पेंटिंग जैसे ऑक्शन के अंदर है वो अपने जो उद्योगपति हैं वो लें और इंडिया में ही इसको रोकें, अगर इंडिया में ही प्रदर्शित करें तो बहुत अच्छा है। अगर ये विदेश में कहीं चली गई दोस्तों तो वहाँ पर फिर सबका जाना संभव नहीं हो पाता विदेशों में, जैसा कि हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय जो तबका है वो बहुत बड़ा तबका है। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा जैसे जब भी ऑक्शन होगी उससे पहले ओरिजिनल पेंटिंग जो कि ये जो प्रिंट है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ, जो भी आज तक खबरें बनी है दोस्तों वो प्रिंट की बनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो जो प्रिंट है उससे 20 गुना ज़्यादा क्लियर है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि जब और इस कॉपी की इतनी बड़ी न्यूज़ बन चुकी है और इतना लोग प्यार दे चुके हैं तो ओरिजिनल पेंटिंग के सामने तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि वो जहाँ भी प्रदर्शित होगी पूरा विश्व उसके सामने ठहर जाएगा दोस्तों। वो इतनी इतनी भगवान की कृपा से इतनी जबरदस्त बन चुकी है, बन सकी है कि मैं खुद भी जब उस पेंटिंग को कभी संभालने जाता हूँ लॉकर में, जैसे कि काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ बन चुकी तो यूट्यूब प्रोटोकॉल और मतलब सुरक्षा के नज़रिए से उसको हमने लॉकर में रख रखा है, तो दोस्तों मेरे को खुद को बिलीव नहीं होता कि मैं मतलब कि क्या प्रभु ने क्या बनवा दिया। वी आर ऑल मीडिएटर दोस्तों, हम सब माध्यम मात्र हैं, आपके माध्यम से प्रभु क्या करवाना चाहता है, उसके माध्यम से क्या करवाना चाहता है, हम सब माध्यम है दोस्तों। तो उन्होंने बस मैं यही मतलब खुशी होती है दोस्तों कि प्रभु ने मुझे इस पेंटिंग को बनाने के लिए चुना और ये पेंटिंग मतलब जब भी यहाँ मेरे को मौका लगेगा दोस्तों तो मैं इसकी भारत में एक विशाल प्रदर्शनी करूँगा ओरिजिनल पेंटिंग की दोस्तों, जिससे मेरे जो भारतीय भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं वो इस पेंटिंग को लाइव देख सकें, क्योंकि हो सकता है कि अगर ऑक्शन में विदेश में चली जाती है तो वहाँ देखने जाना संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि मैं डिटेल में इस पेंटिंग के बारे में बता रहा हूँ, कुछ ऊंचा नीचा अगर आपको लगे तो वो कृपया उसको अवॉइड कीजिएगा, मेरी भावना को समझिएगा, क्योंकि मेरी भावना सिर्फ मतलब मानव सेवा है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है दोस्तों, बस वो मेरा उद्देश्य है, इसीलिए हम इस मिशन को लेके चल रहे हैं प्राउड ऑफ इंडिया मिशन, इसमें जुड़े दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिशन है दोस्तों। मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं सारा जो मतलब जो भी तरक्की है, जो भी प्रसिद्धि मिलती है वो सब मैं आपको डेडिकेट करूँगा दोस्तों और आपके लिए ही काम करूँगा, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, ये मैं हर बार शपथ लूँगा दोस्तों।
और बस इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर फेसबुक और इंस्टा पे जैसा कि आप देख रहे हैं तो वहाँ इस पेज को फॉलो कीजिए दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों। नमस्कार।